सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकेंगे मेरे सारे वीडियोस तुरंत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नितिन आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके, और आज के वीडियो में करने वाले हैं एक कमाल के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, आज मैं करने वाला हूँ बजाज के एक वाटर हीटर, या फिर इसे आप गीजर भी कह सकते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस वाटर हीटर के साथ कैसा रहा, और कंपनी ने मुझे कैसी सर्विस प्रोवाइड की, और किस तरीके से ये काम करता है, कितना अच्छा है प्राइस के हिसाब से, सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहें स्टार्ट से इन तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट कर देता हूँ बॉक्स को ओपन और सारा कुछ दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमें मिलता है ये प्रोडक्ट, देख लेते हैं। यहाँ आगे सबसे पहले हमें मेन प्रोडक्ट की इमेज मिलती है। इधर कुछ फीचर्स मेंशन है, बजाज न्यू शक्ति ग्लास लाइन इसका मॉडल नेम है। यहाँ पे कुछ फीचर जिनमें से सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम, 15 लीटर कैपेसिटी, 5 ईयर वारंटी ऑन इनर टैंक, 2 ईयर वारंटी ऑन प्रोडक्ट, ये सारे कुछ मेन फीचर आगे की तरफ मेंशन है। इधर टॉप पे आप देख सकते हैं हर तरफ बजाज की ब्रांडिंग है, और जिस चीज़ से ये पैक किया गया है उस पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लिखा हुआ है। ओके, देख लेते हैं इस साइड में। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पायरिंग ट्रस्ट, और ये प्रोडक्ट है 4 स्टार पावर सेविंग गाइड यहाँ पे लगा हुआ है। इधर कुछ मेन फीचर्स दिए हुए हैं जिनमें से वर्ल्ड क्लास फीचर्स, परफॉर्मेंस प्लस, सेफ्टी प्लस इंस्टॉलेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक फ्री इंस्टॉलेशन का लोगो बना है। इसके साथ साथ कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर भी है जिसके जरिए हम कराएंगे इसे इंस्टॉल कस्टमर केयर पे कॉल करके। बॉक्स के इस साइड पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिनमें से है प्रोडक्ट वाटर हीटर, वाटेज है 2 किलोवाट, और इनर टैंक है ग्लास लाइंड स्टील, कैपेसिटी है 15 लीटर, नेट वेट है 9.7 kg और ग्रॉस वेट है 10 kg, नेट क्वांटिटी 1 यूनिट। MRP के साथ साथ मैन्युफैक्चर डेट भी दी हुई है जो कि अक्टूबर 2019 है। बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिया हुआ है वाइट कलर के साथ, यहाँ पे हमें ये मिलता है। इधर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और इधर वही सारे इन्फॉर्मेशन हिंदी में दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बॉक्स का टोटल ओवरव्यू मैंने करा दिया है, अभी वक्त आ गया है इस बॉक्स को ओपन करने का। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। सबसे पहले कट कर देते हैं ये प्लास्टिक की पैकिंग, काफ़ी स्ट्रांग है। इस पे आप देख सकते हैं दोस्तों बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है। प्लीज़ डू नॉट स्टेप, कृपया पैर ना रखें। ओके, पैर कौन रख रहा है इस पे। और कट कर देता हूँ इस सील को। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, खासकर बड़े होम अप्लायंसेस, तो उनका सील टेपिंग हमेशा चेक करें। ओके, तो बॉक्स हो गया है ओपन, अब देख लेते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ऊपर एक यूजर मैनुअल जिसमें कस्टमर केयर का नंबर भी है। टॉप पे ही रखा हुआ है हमारा वारंटी कार्ड जिसपे स्टैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। ओके, देख लेते हैं ओपन करके। तो ये रहा हमारा वारंटी कार्ड, और यहाँ पे एक QR कोड भी है, अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए, और एक होलोग्राम भी है। और ये रहा हमारा यूजर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो भी कहें आप। डियर कस्टमर, थैंक यू टू, और यहाँ पे बाकी वही सारे इन्फॉर्मेशन जो कि होते हैं यूजर मैनुअल में, रखते हैं एक साइड। अभी निकाल लेता हूँ ये थर्माकोल जो सेफ्टी के लिए लगा होता है हर प्रोडक्ट पे। इधर एक लाल सा धागा लगा है जो कि बॉक्स पे टेप से चिपका था, पता नहीं किस लिए। और यहाँ पे हमें मिलता है एक पाइप जो कि काफ़ी मजबूती से यहाँ पर टेपिंग किया गया है। ये कुछ हमें लोहे का मिला है जो कि गीजर के नीचे लगता है, और ये रही हमारी पाइप जो कि ट्रांसपेरेंट कलर की है और सॉफ्ट है काफ़ी। और दोस्तों, इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी है। ओके, रखते हैं एक साइड, इसको भी रख देता हूँ एक साइड। और अभी है बॉक्स में ये मेन गीजर, इसका वायर आप देख सकते हैं 3-in-1 है और काफ़ी स्ट्रांग है। निकाल लेते हैं इस गीजर को दोस्तों, काफ़ी भारी है, जल्दी से रखता हूँ एक साइड। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कर लेते हैं इसे ओपन।
ओके, इधर पैकेट पे भी आप देख सकते हैं बजाज की ब्रांडिंग जगह जगह पे है कुछ डिज़ाइन के साथ। और अभी ये प्लास्टिक को मैं धीरे से यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, जैसा कि ये 10 किलो का है दोस्तों, तो काफ़ी हैवी लग रहा है हाथ में लेने के बाद। और ये है हमारा एक्चुअल वाटर हीटर। डिज़ाइन और कलर की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी शाइनी और खूबसूरत है। यहाँ ऊपर लगा हुआ है एक मीटर जो कि बताता है टेम्परेचर कितना है। इधर जो फ्लावर के डिज़ाइन बने हैं वो हैं स्टिकर, मैंने सोचा था ये प्रिंट है पर ये हैं स्टिकर। ओके, इधर 4-स्टार रेटिंग का भी स्टिकर लगा है। पीछे की तरफ इसको माउंट करने के लिए जो लोहे की ब्रैकेट लगी होती है वो भी है, जिसको यहाँ पर अच्छे तरीके से पैक किया गया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से इसको हैंग किया जाता है दीवार में, और ये जो है स्क्रू, इसके जरिए दीवार की सरफेस को फ्लैट सरफेस उस हिसाब से इसको सेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट का एक स्टिकर लगा हुआ है, और ये जो शुरू में हमें एक लोहे का टूल मिला था वो यहाँ पे सेट होगा। इधर कुछ स्टिकर और मिल जाते हैं, और एक होलोग्राम भी मिलता है उसके साथ साथ एक क्यूआर कोड। ब्लू वाला है इनपुट और रेड वाला है आउटपुट, जो कि हॉट वाटर का आउटपुट करेगा। वायर यहां पे देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग है और मोटा है। बॉटम फ्रंट में हमें कुछ बटन्स मिलते हैं, जिनमें से ये रोटेट करने वाला एक बटन हमें मिलता है, जिससे हम इसको ऑफ ऑन या फिर लो टू हाई कर सकते हैं इसकी हीटिंग। और अभी है मैक्सिमम पे मैंने इसे कर दिया। यहाँ पे दो इंडिकेटर लाइट मिलते हैं, एक है हीटिंग के लिए एक है पावर के लिए। तो हीटिंग जब होगा तो ये रहेगा ग्रीन, पावर के लिए ये होगा रेड। तो ये रहा कुछ इसका डिज़ाइन, आपको दिखा देता हूँ आगे फ्लावर की डिज़ाइन। और यहाँ पे बजाज न्यू शक्ति, ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स में मिली थी, कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और एक लोहे का टूल और एक पाइप। तो दोस्तों नेक्स्ट अभी मैं करने वाला हूँ कस्टमर केयर पे कॉल इसको फ्री में इंस्टॉल करवाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कितनी जल्दी ये लग जाता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सुबह के 9:30 बजे हैं, और मेरे घर पे एक टेक्नीशियन आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर रहा है इसको इंस्टॉल। तो 30 मिनट के अंदर दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गीजर कर रहा है काम, और हीटिंग अभी आप देख सकते हैं 50% पे है कि कांटा मूव होता है इधर से उधर। और यहाँ पे दो लाइट जैसा कि मैंने बताया था इंडिकेट हो रही है पावर और हीटिंग की। ये है बटन जिससे हम हीटिंग को कम या ऑन ऑफ कर सकते हैं, और देखिए मैंने इसे ऑफ कर दिया तो ग्रीन लाइट बंद हो गई, और ऑन करने के बाद ये ऑन हो जाती है। तो आफ्टर ऑल दोस्तों प्रोडक्ट है ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो में सारा कुछ आपको दिखा दिया, इसके अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट, इंस्टॉलेशन सारा कुछ दिखा दिया। इंस्टॉलेशन की बात करें तो दोस्तों बजाज की तरफ से इंस्टॉलेशन सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। मेरे केस में क्या हुआ था, आज के दिन जैसे कि गीजर मेरे एड्रेस पर डिलीवर हुआ अमेजोन की तरफ से, मैंने इसे अमेजोन से ही लिया था, और उसी दिन मैंने कंपनी में कॉल किया बजाज की, जो कि टोल फ्री नंबर बॉक्स के ऊपर मेंशन है, और वहाँ पे मैंने अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह नोट कराया, और वो लोग एक डेट बताते हैं, टाइम बताते हैं कि इस टाइम पे आपके घर पे एक टेक्नीशियन आएगा आपका गीजर इंस्टॉल करने के लिए। तो अगले ही दिन तकरीबन 9:30 बजे के करीब सुबह सुबह ही टेक्नीशियन मेरे घर पर आ गया, और 20 मिनट के अंदर दोस्तों उसने गीजर को इंस्टॉल करके, चेक करके, चला करके मुझको दिखा दिया। और दोस्तों काफ़ी स्मार्ट था वो टेक्नीशियन, क्योंकि उसने इतने फटाफट, इतने अच्छे तरीके से गीजर को परफेक्टली लगाया है, मैं बहुत खुश हुआ। और दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जैसा कि वेट इसका है 10 किलो के करीब, और इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत है। अंदर ये है ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि वाटर को, अंदर के पानी को काफ़ी देर तक गर्म रखता है। इसके साथ साथ इसमें जो हमें मीटर मिलता है उससे ये पता चलता है कि पानी अभी कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, व्हाइट कलर में ज़बरदस्त लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, बता दिया है, अब है आपकी बारी। आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया, आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं या फिर प्राइस चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों amazon.in पे सेल चल रहा है, तो वहां पे प्राइस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और जब मैंने इसे लिया था तो 5700 रुपये का करीब का लिया था, और अभी प्राइस शायद बीच में 5200 रुपये तक की गई थी।
तो आप जब सही टाइम हो, सही प्राइस जब हो, तब आप इसे खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। सी यू अगेन, बाय बाय।